अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं पीटरब्रा पहुँच गया था। पीटरब्रा है लंदन के पास, है तकरीबन एक घंटे की ड्राइव पे है। आज मैं निकला था भाई, वेदर भी अच्छा है काफ़ी, सुबह स्नो पड़ी थी, सॉरी उसके लिए मैं आपको दिखा नहीं सका, सुबह 8-9 बजे पड़ी थी, अभी धूप निकली हुई है। ये है पीटरब्रा और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे विज़िट करने के लिए। वैसे मैंने कहा देखते हैं एरिया कैसा है, आपको भी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे घूमते हैं कि स्ट्रीट में घूमते हैं, देखते हैं टाउन सेंटर जाके वो कैसा है। यहाँ पे मुझे बताया था कि कैथेड्रल है, वो भी देखना, वो भी देखता हूँ चल के कहाँ पे है। आप मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा मेरे साथ क्या क्या है, क्या नहीं। ये ऐसी कुछ स्ट्रीट है यहाँ पे, यहाँ पे वेदर का नहीं पता चलता कब कैसा हो जाए कैसा नहीं। सुबह स्नो हो रही थी, रात को बारिश हो रही थी, अभी आपके सामने धूप निकली हुई है। यूके के 3 W बड़े फेमस हैं, पहला हो गया वर्क, दूसरा हो गया वुमेन और तीसरा हो गया वेदर। जिनमें से 2 का एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है और तीसरे की अलहमदिल्ला में जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस करने की। टाउन सेंटर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको वहाँ पर। ये मैं अभी लिंकन रोड पे आ रहा हूँ, जो आ गया मैं अभी लिंकन रोड पे पहुँच गया हूँ। ये पीटरब्रा में है, यही वो रोड था जिधर मैंने जाना था, इधर ही है सिटी सेंटर इनका जो है, और साथ में जो कैथीड्रल है वो भी इधर ही है। ऐसे घर हैं यहाँ पे, साथ में सारी शॉप्स वगैरह हैं, सब कुछ है इधर। इधर लोगों के घर है, धूप निकली हुई है, काफ़ी प्यारा एरिया है ये भी। आगे चलते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं आगे। ये रास्ते में मुझे एक चेंज नहीं रहेगा, गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, उनकी प्राइस लगी हुई है, देख लें आप गाड़ी कौन कौन सी है, कितने कितने की लगी हुई है। BMW थी 5600 की, है 79 था की है, और ये 32 की है। गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन उनकी इंश्योरेंस थोड़ी सी महंगी हो जाती है, बाकी खर्चे बड़े हैं उधर गाड़ियों पर, गाड़ी सस्ती है। चलते हैं अभी उसी जगह पर जहाँ पर हम जा रहे हैं। इधर के लोगों में एक बड़ी अच्छी बात है कि जैसे आप गलती से मैंने एक रोड क्रॉस किया, वीडियो नहीं शूट की उसकी, तो एक गाड़ी पहले गुजर गई, उसका था पता, लेकिन वो थी बनाने की गाड़ी में, उसने मुझे कहा कि आप गुजर जाएं। ये ग्लासगो में रहता था, उधर भी ऐसे होता था, इसलिए बंदे को प्रेफरेंस देते हैं ना कि खुद को, ये बड़ी इनकी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात लगती है। तो मैं आ रहा था, मैं इधर से गुजर रहा था, ये साथ में मुझे पार्क नज़र आया इधर साइड पर, मैं चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे पार्क ही है, चलें आ जाए। ये इधर बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं इस साइड पे, और इस साइड पे है बास्केटबॉल का इधर, लेकिन बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, सामने बास्केटबॉल का लगा हुआ है, और वो सामने उनकी ऐसे एक्सरसाइज के लिए है, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, वो जो ग्रीन एंड ब्लैक है वो वाली। ये वाली है इनके, यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, वो तो आप छोटी सी जिम ही कह लें, वही है ये, वही कह सकते हैं आपके, ये है वो, ये वाली, ये ऐसा कुछ पार्क है यहाँ का। अलहमदिल्ला पहुंच गए हम पीटरब्रा के टाउन सेंटर में, आगे चल के देखते हैं इनका टाउन सेंटर कैसा है। बाल कटवा लिए मैंने, आपने देख लिया होगा पिछली वीडियो में भी आया होगा, बाल कटवा लिए मैंने। मैंने बालों के अपने दिए थे तकरीबन 10 पाउंड दिए थे, वीडियो नहीं बना सका सॉरी उसके लिए, पाकिस्तानी भाई थे जिनसे कटवाए थे। और देखते हैं अब टाउन सेंटर कैसे है ना, कुछ
ये देखिए धूप निकली हुई आज काफी तेज, काफी अच्छा एरिया है ये इधर इंग्लैंड में है, लंदन के पास ही है। अच्छा इधर इंसान को ना जैसे अपना अपना होता है, अपने पाकिस्तान वाली चीज ऐसी आती है, अपना ये अच्छी होती है, जैसे ऐसा होता है ये वाला एरिया ऐसा है। स्पेशली इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में अपना ब्रेडफोर्ड हो गया, बर्मिंघम हो गया, इधर है ही पाकिस्तान की कम्यूनिटी, उधर स्कॉटलैंड वाली साइड पर ग्लासगो में उधर सब जो है ब्रिटिश वो रहते हैं, गोरे हैं जो वो रहते हैं। टाउन सेंटर ऑफ पीटरबरा, आ जाएं आगे चलें। मैं इधर ढूंढ रहा हूँ पाउंडलैंड, अगर मिल जाए तो उसके सामने ही चर्च है। इस साइड पे काफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं, इधर आई थिंक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। ये इस तरफ सामने मेरे लॉर्ड्स बैंक है, सेवल्स भी हैं। ये पता नहीं क्या है, ये जिसकी मैं बात कर रहा था बैंक की, सेवर्स। सामने इंग्लैंड का फ्लैग, इधर कहीं होना चाहिए, मैं लोकेशन देखी है, इधर ही शो कर रहा था थोड़ा सा बस आगे जाके। काफ़ी अच्छी लाइफ है यूके की, मज़ा आता है बंदे को। ये देखा सामने पाउंडलैंड आ गया, मैंने पहले भी बताया है कि ये पाउंडलैंड में से ऑलमोस्ट 1 पाउंड की चीज़ मिलती है, कुछ थोड़ी सी महंगी होती हैं लेकिन मोस्टली 1 पाउंड की मिलती हैं चीज़ें। यहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे वो है कैथेड्रल, ये वही ग्लासगो की तरह। इधर देखते हैं कैश मशीन, इधर कहीं होना चाहिए। एक टूरिस्ट का भी वो के किसकी, ये है टाउन सेंटर, हेलीफैक्स बैंक टाउन सेंटर। यहाँ पे हर रंग हर नस्ल के लोग रहते हैं, हर मज़हब के, गोरे हों काले हों पाकिस्तानी हों ब्राउन हों इंग्लिश हों अरेबिक हों नाइजेरियन हों अफ्रीकन हों, हर किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं हर मज़हब के। पाउंडलैंड चलते हैं, कुछ खरीदते हैं यहाँ से कुछ पीने के लिए, कोक वगैरह कुछ देखा है, कोक है सारों के रेट लगे। मैं बनाऊंगा किसी दिन वीडियो इस पर भी पूरी। कोक ले लिए, इसका बिल करते हैं उधर, कैश कर लो या कार्ड से देखना पड़ेगा अभी। ले लिए हमने अपनी कोक, अंदर ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई है, बाकी किस दिन मैं करूँगा इंशाल्लाह, इसका भी एक वीडियो ब्लॉग बनाऊँगा इस पर भी और बताऊँगा इनकी प्राइसेस और दिखाऊँगा आप लोगों को कैसे करते हैं कुछ वीडियो में देखते हैं बंद ना हो जाए हमारे पहुँचने तक। मैं ये पहुँच गया ग्लासगो, ग्लासगो कह रहा हूँ पीटरबरा के सेंटर में, सामने आई थी ये वाला ही होगा। अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर जाने देखते हैं कि नहीं, अंदर चलते हैं। ये वाला नहीं था, ये पता नहीं क्या है, ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है कि थिएटर की बिल्डिंग ये वाली। अभी मैंने पूछा इनसे, कहे थे यहाँ से आपको राइट टर्न लेना होगा फिर घूम के जाना होगा। यहाँ से पार्क का भी कुछ कहे थे कि पार्क भी है, यहाँ से चलते हैं अंदर के थिएटर की तरफ। पूछा था मैंने उनसे कि वीडियो शूट करने की इजाज़त है, कहते हैं हाँ यूज़ली कर सकते हैं आप, आगे वहाँ पे जाके पता चलेगा कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मना तो नहीं करेंगे शायद कर लेने दें। अच्छा
ये है कैथेड्रल का गेट, ये आप पढ़ लीजिएगा, इनका टाइम वगैरह है सब कुछ है जो भी है। शायद वो ये इसी पार्क की बात कर रहे थे, थोड़ा सा जो है एरिया खामोशी है यहाँ पे, बिल्कुल खामोशी, सन्नाटा। ये है कैथेड्रल, ये वाला। ये वाला कैथीड्रल है पीटर ब्रा का, और ये यहाँ का एरिया है। वो वहाँ से मैं हूँ जहाँ से वो आ रही है, उधर से। आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे सामने पीछे कैथीड्रल है, ये वाला ही है जिसमें हमने आना था। अंदर चलते हैं, देखते हैं, वीडियो शूट करने देते हैं कि नहीं। ऐसा कुछ के थिएटर है इनका अंदर से, ये चलते हैं बाकी। ये चेयर्स लगी हैं जहाँ पे अपनी प्रे वगैरह करते हैं। ये है इनका के थिएटर, मुझे बताया था अपी ने कि वहाँ पे जब वहाँ पे वीडियो शूट करो। मैं आहिस्ता इसलिए बोल सकता हूँ कि तेज नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बोल रहे हैं कुछ। पता नहीं आगे हम जा सकते हैं यहाँ से कि नहीं, पूछे उनसे, कहते हैं जा सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करते हैं क्या नहीं, प्रे करते हैं। लेकिन जो जगह है इधर बैठने के लिए उसकी बात कर रहा हूँ मैं, खामोशी है यहाँ पे, बिल्कुल सन्नाटा। आप जहाँ भी जाएँ, जिधर भी जाएँ, उनका एहतराम लाजमी करें, चाहे आप जिस भी मज़हब से हों, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कुछ भी हो। यहाँ से जो रिबन लगा है यहाँ से आगे नहीं जा सकते। चलें, आपने जैसा कि देखा है कि मैं आज इधर कैथीड्रल में के आया हूँ। पहले बताया था मैं तेज इसलिए नहीं बोल रहा कि बंदा अच्छा नहीं लगता ऐसे ऊँची बोलता हुआ, तो इसलिए आराम से सोई आवाज़ के लिए कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। आप भी मेरे साथ बाहर चलते हैं अभी यहाँ से। मिलते हैं फिर बाहर पहुँच के। अगर पीछे जैसा भी था तो बंद हो चुका था, उनका भी थैंक्स कि उन्होंने मुझे वीडियो बनाने की इजाज़त दे दी, उन्होंने वीडियो बनाने की। अब जहाँ भी जाएँ पहले उस चीज़ के लिए परमिशन ले लें, ऐसे बाद में मसले बनते हैं। मैंने उनसे पहले जाते ही पूछा, फिर उन्होंने जो थे इधर जो भी थे उन्होंने मेरी पिक्चर भी क्लिक की है, मुझे वीडियो बनाने की भी परमिशन दी है। अच्छे थे काफ़ी वो, शुक्रिया उनका। चलते हैं अब घर जाके, ब्लॉग एंड करते हैं। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, ये भी बताइएगा कि अगर किस चीज़ पे भी लोग मिलते हैं अपना जाते प्लान करते हैं ब्लॉग पर। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए, शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं, और यही कुछ था आज के ब्लॉग में। अगर आपको भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा नेक्स्ट किस चीज़ पे हो, और तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके।